एयरफोर्स पुरस्कार से के नचिकेता को सम्मानित किया, दुश्मनों पर बमबारी शुरू कर दी और वो अपनी मैगजीन को लोड ही कर रहे थे तभी विमान से इजेक्ट होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों का कब्जा था, बॉर्डर के रास्ते भारत वापस भेज दिया। ऑपरेशन सफेद सागर ये कहानी है जोश, जज्बे और वतन परस्ती की। बात है 1999 की। सर्दियों के समय में भारतीय सेना कारगिल की चौकियों को खाली करके नीचे आ जाती है। सेना को चरवाहों द्वारा पता चला कि भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। निचले क्षेत्र में बैठे होने की वजह से इंडियन आर्मी की पोजीशन वीक थी, तो ऐसे में एयरफोर्स का सहारा लिया गया। एयरफोर्स ने जिम्मेदारी स्क्वाड्रन नंबर 9 को दी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से जीतकर भारतीय झंडा लहराना था। 27 मई 1999 को स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और 26 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता ने MiG-27 और 21 से दुश्मनों पर बमबारी शुरू कर दी। इस मिशन में सरकार के ये आदेश थे कि किसी भी कीमत पर LOC को क्रॉस नहीं करना। अंधाधुंध बमबारी हो ही रही थी कि के नचिकेता के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान तेजी से नीचे जाने लगा और इसकी खबर उन्होंने जब अजय आहूजा को दी तो उनके पास विमान से इजेक्ट होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब अजय आहूजा के नचिकेता के विमान की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए तेजी से नीचे आने लगे तभी दुश्मनों की एक मिसाइल उनके विमान से टकरा गई। इधर अजय आहूजा ने भी विमान से इजेक्ट किया और वो पैराशूट के जरिए नीचे आने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जिस क्षेत्र में आए वहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों का कब्जा था। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अजय आहूजा को गोली मार दी जो वहीं शहीद हो गए। और उधर के नचिकेता का पैराशूट पाकिस्तानी सीमा में लैंड हो चुका था। पाकिस्तानी सेना को ये पता चल चुका था कि एक भारतीय पायलट हमारी सरजमी पर लैंड हो चुका है। पाकिस्तानी सेना ने के नचिकेता के विमान को ढूंढ लिया और के नचिकेता पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए के नचिकेता ने भी सर्विस रिवॉल्वर से पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी और वो अपनी मैगजीन को लोड ही कर रहे थे तभी पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। फिर पाकिस्तानी सेना के नचिकेता को गिरफ्तार करके अपने ठिकाने पर ले गई। पूछताछ के नाम पर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें टॉर्चर किया। जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन कैसर तुफैल को ये बात पता चली तो उन्होंने सेना से के नचिकेता को छुड़ाया और दूसरी जगह ले जाकर उनके साथ पूछताछ करने लगे। तभी ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आग की तरह फैल गई और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने लगी। मीडिया का ये कहना था कि पाकिस्तान को जनेवा कन्वेंशन को फॉलो करना है और भारत के युद्धबंदी को भारत को वापस सौंपना है। दबाव बढ़ने के कारण पाकिस्तान ने 4 जून 1999 को इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत वापस भेज दिया। 7 दिन के टॉर्चर के बावजूद भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता ने भारत के मिशन और सीक्रेट के बारे में पाकिस्तान को कुछ नहीं बताया। के नचिकेता की वतन परस्ती और बहादुरी पर भारत सरकार ने एयरफोर्स पुरस्कार से के नचिकेता को सम्मानित किया। ये जज्बा है हमारे देश की सेना का, हमें गर्व है देश के जवानों पर जो देश की रखवाली के लिए अपनी जान निछावर करने से भी नहीं डरते हैं। मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देश के जवानों के पराक्रम की इस कहानी को हर देशवासी के साथ शेयर करें और गर्व से कहें हम भारतीय हैं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।